बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ कि अल्लाह के फजलो करम से बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। आप देख रहे हैं सुभान फूड सीक्रेट्स यूट्यूब चैनल। वीवर्स, आज मैं आपके साथ मटन पाया की रेसिपी शेयर करने वाली हूँ। बहुत डिफरेंट और बहुत ही इजी रेसिपी है और स्पेशली ये आपकी हेल्थ के लिए बहुत ही जबरदस्त है। काफी सारे लोग पाए सिर्फ इसलिए नहीं खाते हैं कि उनको इसमें से एक मखसूस स्मेल आती है, वो खाना तो क्या इसे देखना भी पसंद नहीं करते हैं। तो जी, आज मैं आपके साथ इसी हवाले से बहुत सी टिप्स एंड ट्रिक्स आपके साथ शेयर करूंगी। आपने वीडियो को स्किप नहीं करना है, वीडियो को आप लास्ट तक देखिएगा। इंशाल्लाह आप इस वीडियो को जब फॉलो करके पाए बनाएंगे तो इंशाल्लाह सभी बहुत ज्यादा पसंद करेंगे। चलिए बिस्मिल्लाह करते हैं, बिना वक्त जाया किए अपनी रेसिपी की तरफ चलते हैं। मटन पाए को बनाने के लिए यहाँ पर हमने सबसे पहले 1/2 kg मटन के पाए ले रखे हैं और इनको हमने अच्छी तरह से वॉश कर लिया हुआ है। आपने इनको गर्म पानी से बहुत अच्छी तरह से वॉश कर लेना है। और दूसरी तरफ यहाँ पर गैस पे हम रखेंगे 1 अदद प्रेशर कुकर और इसमें हम ऐड करेंगे ये मटन पाए और साथ ही हम इसमें ऐड करेंगे 1 मीडियम साइज का प्याज था जिसे हमने रफली काट लिया हुआ है, वो हम इसमें ऐड करेंगे। और यहाँ पर 1 टेबल स्पून हमारे पास अदरक और लहसुन का पेस्ट है, वो हम इसमें ऐड करेंगे। और अब साथ ही हम इसमें ऐड कर देंगे खड़े मसाले हैं हमारे पास, ये हमारे पास सबसे पहले 2 तेज पत्ते हैं, 2 दालचीनी स्टिक है हमारे पास, 2 बड़ी इलायची हैं, 2 छोटी इलायचियां हैं, साबुत काली मिर्ची है, लौंग है और जीरा है, वो हम इसमें ऐड करेंगे। ये खड़े मसाले और अदरक लहसुन का पेस्ट सिर्फ इसीलिए इसमें डाला जाएगा ताकि इसकी मखसूस स्मेल को खत्म किया जा सके। ठीक हो गया, आपने ये दोनों चीजें स्किप नहीं करनी है। खड़े मसालों को ऐड करने के बाद अब हम इसमें ऐड करेंगे 1 मीडियम साइज का टमाटर था जिसे हमने रफली काट लिया हुआ है, वो हम इसमें ऐड करेंगे। अब जी इसमें हम कुछ स्पाइसेस ऐड कर लेते हैं, ठीक है। सबसे पहले इसमें हम ऐड करेंगे ये हमारे पास 1 टीस्पून नमक है, वो हम इसमें ऐड करेंगे। 1 टीस्पून भर के ही हम इसमें हल्दी ऐड करेंगे, 1/2 टेबल स्पून खुश्क धनिया पाउडर और 1/2 टेबल स्पून ही जीरा पाउडर ऐड करेंगे। ये ले जी स्पाइसेस, यहाँ पर सिर्फ अभी यही जाएंगे। लाल मिर्च आपने यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं ऐड करनी, ठीक है। वो जब ऐड करनी है, जहाँ पे ऐड करनी है, कितनी ऐड करनी है मैं आपको बताऊंगी। और एक चीज का ख्याल रहे कि स्पाइसेस आपने इसमें बहुत कम ऐड करने हैं। और यहाँ पे फ्लेम ऑन करेंगे और इसमें हम ऐड करेंगे तकरीबन 1.5 लीटर पानी। ये ले जी यहाँ पर माशाल्लाह से 1.5 लीटर पानी हमने इसमें ऐड कर दिया हुआ है और इसे यहाँ पर 1 सीटी आने के बाद इसे हम पकाएंगे 25 से 30 मिनट के लिए। गैस का फ्लेम आप लोग मीडियम रखिएगा। मिलते हैं 25 से 30 मिनट के बाद, आपने जाना बिल्कुल भी कहीं नहीं है, हमारे साथ साथ जुड़े रहना है। ये ले जी यहाँ पर हो चुके हुए हैं, इसे कवर किए हुए पूरे 25 से 30 मिनट और अब हम इसे खोल के चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं माशाल्लाह से पाए हमारे जो हैं वो बड़े जबरदस्त से गल चुके हुए हैं और आपको इसमें जो एक्स्ट्रा पानी जो नजर आ रहा है इसे हम रिमूव कर लेते हैं। इसे हम डालेंगे यहाँ पे कढ़ाई में और गैस का फ्लेम यहाँ पे हाई करके इस पानी को हमने बहुत अच्छी तरह से ड्राई कर लेना है, ठीक है। पानी इसमें बिल्कुल भी नहीं अब होना चाहिए क्योंकि हमने यहाँ पर इसकी बुनाई करनी है। ये ले जी यहाँ पर आप देखिए हाई फ्लेम पे यहाँ पे हमने पानी जो है वो बड़ी अच्छी तरह से खुश कर लिया हुआ है, आप देख सकते हैं। और इस पॉइंट पर आकर हम इसमें ऐड करेंगे, यहाँ पर 1/2 कप हमारे पास कुकिंग ऑयल का है, वो हम इसमें ऐड करेंगे और साथ ही हम इसमें ऐड कर देंगे 1 टीस्पून हमारे पास लाल मिर्च का पाउडर है। इस पॉइंट पे आके आपने लाल मिर्च को ऐड करना है ताकि यहाँ पे ये अच्छी तरह से भुनी जा सके, ठीक है। और गैस का फ्लेम मीडियम करके हमने इसकी यहाँ पे बहुत अच्छे तरीके से बुनाई करनी है। एक बार फिर से मैं आपको बता दूं कि इसमें स्पाइसेस जो हैं वो बहुत कम जाते हैं, ये ज्यादा स्पाइसी नहीं होते हैं, ठीक है। आपने स्पाइसेस बहुत थोड़े थोड़े से ऐड करने हैं। ये ले जी यहाँ पर आप देख सकते हैं माशाल्लाह से इसकी 6 से 7 मिनट हमने बड़ी जबरदस्त सी बुनाई कर ली हुई है मीडियम फ्लेम पे। और अब हम शोरबा तैयार कर लेते हैं। यहाँ पर हम सबसे पहले इसमें 2 गिलास पानी ऐड करेंगे, ये आप अपनी मर्जी से शोरबा कर सकते हैं, कितना पतला पसंद करते हैं। और साथ ही हम ये दूसरा गिलास इसमें ऐड कर देंगे। वैसे देखा जाए तो पाए में शोरबा जो है वो पतला ही अच्छा लगता है, ठीक है। और इसे यहाँ पर अब हम 2 से 3 मिनट अच्छी तरह से मीडियम फ्लेम पे पका लेंगे ताकि शोरबा जो है हमारा जबरदस्त सा तैयार हो जाए और इसे यहाँ पर हम कवर करके पकाएंगे। ये ले जी यहाँ पर हो चुके हुए हैं 3 से 4 मिनट इसे मीडियम फ्लेम पे कवर किए हुए। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं माशाल्लाह से शोरबा हमारा जो है वो बड़ा जबरदस्त सा बन के रेडी हो चुका हुआ है। और अब हम इसमें ऐड कर देंगे 1 टेबल स्पून ये हमारे पास बारीक कट की हुई हरी मिर्चें हैं और साथ ही हम इसमें ऐड कर देंगे बारीक बारीक कट किया हुआ हरा धनिया है हमारे पास। और यहाँ पर 1/2 टीस्पून हम इसमें गरम मसाला ऐड कर देंगे। चलते हैं अब हम फाइनल लुक की तरफ और आप लोगों को डिश आउट करके दिखाते हैं कि ये कितने जबरदस्त, कितने टेस्टी और कितने शानदार से बनके तैयार हुए हैं। फाइनल लुक को आपने मिस बिल्कुल भी नहीं करना।
तो ये लीजिए माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह तैयार है जबरदस्त टेस्टी शानदार और फायदों से भरपूर मटन पाया की रेसिपी। इस मटन पाया के बहुत ढेर सारे फायदे हैं, ये आपकी हड्डियों को बहुत मजबूत करते हैं। देखिए कितने सिंपल तरीके से और कितने सिंपल इंग्रेडिएंट्स के साथ ये बनके रेडी हो जाते हैं। आप लोग भी जरूर इन्हें अपने घरों में ट्राई करिएगा, मुझे फीडबैक जरूर दीजिएगा, मुझे आपके फीडबैक का इंतजार रहेगा। उम्मीद है आपको आज की वीडियो बहुत ज्यादा पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करिएगा, मेरे चैनल पे नए आए हैं तो सब्सक्राइब किए बिना मत जाइएगा। आप इन्हें नान के साथ खाएं या फिर चपाती के साथ खाएं, ये हर तरह से बहुत टेस्टी लगने वाले हैं। मिलती हूँ आपसे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के साथ, नेक्स्ट रेसिपी के साथ। तब तक रखना है आपने अपना ढेर सारा ख्याल, दुआओं में मुझे याद रखना है। हंसते रहिएगा, मुस्कुराते रहिएगा, यूं ही आप हमारे साथ साथ रहिएगा। वीडियो पसंद आई हो तो इसे अपने फ्रेंड्स और फैमिली मेंबर्स के साथ जरूर शेयर करें, ताकि वो भी इस मटन पाया की रेसिपी को अपने घरों में जरूर ट्राई कर सके। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को करती हूँ अल्लाह हाफिज़।